तो देखिए आज हम जो है बहुलक का कुछ खास प्रश्नों को लिए हैं। ये सवाल 5 नंबर में आते हैं। जैसे इस प्रश्न को देखेंगे तो इस प्रश्न में जो है क्या है, तो वर्ग अंतराल इसमें लिखा हुआ नहीं है, तो सबसे पहले इसका वर्ग अंतराल लिखना है। और सवाल में कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिसको आपको देख के समझना है कि है क्या, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे सबसे पहले हम वर्ग अंतराल लिखेंगे, बोल रहा है 10, यहाँ कह रहा है से कम का मतलब होता है 10 से कम गिनेंगे, अर्थात 0 से लेके 9 तक ही गिनेंगे। तो हो जाएगा 0 से लेके 10, तो 10 की गिनती अगले लाइन में होगा, इसमें नहीं होगा, ठीक है। फिर अगले लाइन में होगा 10 से 20, 20 कम यहाँ पर लिखा हुआ नहीं, लास्ट तक 20 है, यहाँ 20 नहीं गिनती होगा, 20 अगले लाइन में गिनती होगा, तो होगा 20 से कितना होगा अभी 30, फिर उसी प्रकार से हो जाएगा 30 से 40 और लास्ट में होगा 40 से 50। ये देखिए अपवर्जी विधि, कौन विधि में, ये अपवर्जी विधि में है। तो ऐसे प्रश्नों को हम अपवर्जी विधि में कहेंगे और ये काफ़ी बनाना आसान होता है। अब दूसरा जो ये लिखा हुआ है इसको आप लिख लीजिए, है 3, ये 8 है ना, 17 है, 20 है, फिर ये क्या 22 है, लिख लिया इसको। अब इसको लिखने के बाद जरा देखो यहाँ पर गौर करिए, ठीक है। संख्या डिनोट होते हैं बारंबारता से, किससे, बारंबारता से। तो आप इसको एफ कह दीजिएगा, नहीं ये एफ नहीं है, ये बल्कि सी एफ है, देखिए, क्योंकि संचयी बारंबारता को यहाँ पर सी एफ द्वारा करेंगे, तो ये संचयी बारंबारता, बारंबारताओं का योगफल है। जरा देखिए 3 है, फिर बढ़ा हुआ है, बढ़ते गया है कि नहीं गया है, बड़ा देखिए नीचे में आ गया ना बड़ा, तो ये बढ़ते जा रहा है, तो हम समझ लेंगे कि यह संचयी बारंबारता दिया हुआ है। क्या है, संचयी बारंबारता। तो सबसे पहले जो है ये हमें सी एफ है। अब इसमें क्या है, हमको निकालना है सबसे पहले कौन सी, तो एफ निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, एफ निकालेंगे। तो एफ निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इसमें जो बारंबारता जोड़ा गया है इसको हम घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाना पड़ेगा हर बार। तो देखो सबसे पहला 3 का 3 ही हो जाएगा, पहले वर्ग का बारंबारता और पहले वर्ग की संचयी बारंबारता आपस में समान होती है और ये हम लिखा चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से क्या है, अब ये है ना 8, तो 8 में 3 जोड़ा हुआ है, तो ये क्या करेंगे, 8 में 3 घटा देंगे, तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, 5 3 8 होता है। फिर यहाँ पर देखिए ध्यान से 17 है, तो 17 में 8 जोड़ा हुआ है, ठीक है, ये जोड़ा हुआ है, तो 17 में 8 घटाइए, 17 में 8 घटाइए कितना होगा, 9 8 17। 20 में फिर 17 घटाइए 3, और 22 में 20 घटाइए कितना होगा, 2, क्लियर है। ये हम निकाले कैसे, फिर से एक बार दोबारा आप देख लीजिए, दोबारा देखिए इधर, दोबारा देखिए एक बार, देखिए 3 का 3 हो गया। अब ये देखिए 8 है ना, तो 8 है ना, तो देखो ध्यान से ऊपर वाला घटाना है नीचे में, 8 में से 3 गया 5, 17 में से 8 गया 9, 20 में से 17 गया 3, 22 में से 20 गया 2, क्लियर है। इस प्रकार से संचयी बारंबारता से हम बारंबारता निकाल लिए। अब बारंबारता निकाल लिए तो फिर बहुलक बराबर आपको तो पता है ये है कि बहुलक कैसे, तो बहुलक वर्ग सबसे पहले हमको चुनना है, बहुलक वर्ग है कौन, तो बहुलक वर्ग देखो इसमें सबसे बड़ा बारंबारता किसका है, 9 का है ना, तो यही सी को हम बोलेंगे बहुलक वर्ग, कौन वर्ग बोलेंगे इसको, यही हमारे लिए बहुलक वर्ग है, कौन वर्ग है, बहुलक वर्ग। और आपको खूब बढ़िया से पता है इसको हम बोलते हैं F1, ऊपर वाले को कहते हैं FO, नीचे वाले को कहते हैं F2, और इसी के निम्न सीमा को हम लोग कहते हैं क्या, L बराबर 20। और H बराबर इसी में आपको पता चल रहा है H बराबर कितना होगा, तो ये 10 बढ़ा हुआ है, H बराबर है, क्या है, H बराबर। तो यहाँ से देखिए हमको सब कुछ मालूम है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम साइड में हम लोग बनाना शुरू करते हैं, आइए देखिए। तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे बहुलक बराबर, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस FO बटा 2F1 माइनस FO इंटू एच, ये होता है फार्मूला, फार्मूला लिख लिए। अब फार्मूला लिखने पर मान भरिए L, तो आइए L माने लोअर लिमिट, L बराबर कितना है 20 है, कितना है 20, तो यहाँ L के स्थान पर हम रख देंगे 20। फिर प्लस ब्रैकेट बंद, F1 बराबर देखिए कितना है 9, तो यहाँ पर ऊपर में रख देंगे 9 माइनस FO का मान कितना है 5, तो यहाँ ऊपर में रख देंगे 5 और नीचे बटा, बोलिए यहाँ पर है कौन सा, 2 का 2 रख दिए, फिर F1 है, F1 के बदले 9 है, FO के बदले क्या 5 है, फिर माइनस यहाँ पर, सॉरी माइनस F2 होता है। अब F2 देखिए यहाँ पर F2 बराबर कितना है 3 है, तो यहाँ F2 बराबर 3 लगा देंगे इंटू एच। अब यहाँ पर देखिए 20 हो गया प्लस, बोलिए घटेगा तो कितना आएगा ऊपर में 4 बटा 9 दुना 18,
अब 5 3 कितना, माइनस माइनस प्लस 8, इधर इंटू हो गया एच का मान कितना है, तो यहीं पर भर दो ना, एच बराबर 10, एच बराबर यहाँ भी 10, ये एच बराबर ये हुआ वर्ग अंतराल यानी वर्गा माप कितना है 10 10 10 10 10 बढ़ा हुआ है, वही एच है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये हो गया 20 का 20 प्लस ये 4 है तो 4 है बटा 18 में से 8 गया कितना बचेगा 18 में से 8 गया तो 10, अब गुना यहाँ पर 10, ये 10 से 10 बोलिए 20 और 4 कितना, यही हमारा है 24, यही हमारा बहुलक है आंसर, यही हमारा जो है 24 आंसर है। कोई दिक्कत, समझ में आ गया होगा अच्छा से, तो लिखिए। इसी प्रकार का एक सवाल और लेते हैं जो यहाँ पर से अधिक रहेगा उसके लिए, ठीक है। तो देखिए बहुलक का ये दूसरा प्रश्न है, बिल्कुल उसी के जैसा है, लेकिन इस प्रश्न में कुछ खास बात ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, से ज़्यादा। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो है ना 0 से ज़्यादा होगा, है ना, यहाँ 10 से ज़्यादा होगा, यहाँ 20 से ज़्यादा होगा, इस प्रकार के है, ठीक है। तो यहाँ ले लेंगे हम 0 से ज़्यादा 10 तक, क्योंकि 10 तो इसमें है, तो फिर होगा 10 से ज़्यादा इसमें 20 तक, फिर 20 से ज़्यादा इसमें 30 तक, 30 से ज़्यादा इसमें हो जाएगा, 30 से हो जाएगा 40 तक, यह हो जाएगा 40 से ज़्यादा कहाँ तक, 50 तक, 50 से ज़्यादा कहाँ तक, हो जाएगा 60 तक। तो इस प्रकार से बारंबारता निकाल लेंगे, ठीक है। पहले देखिए से कम था तो ये 10 यहाँ पर था यानी 10 से कम, अभी है ज़्यादा तो 0 से ज़्यादा, 0 से ज़्यादा, तो 0 से ज़्यादा का मतलब 0 से 10 देखिए यहाँ ना है, तो 0 से 10 मैंने 90 तक लेंगे, 10 तो इसमें गिनेंगे, 10 दूसरा घर में है जी, ठीक है, तो 10 को दूसरा घर में लिए, तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 इसी प्रकार से कर लेंगे ऐसे वर्ग अंतराल आपसे निकल जाएगा। वर्ग अंतराल के बाद जो आता है, अब क्या करेंगे, तो इसको चुपचाप लिखिए, देखिए 50 है, 46 है, फिर 40 है, 20 है, 10 है, फिर 3 है। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ा है ना, अब बढ़ते गया है, तो ये क्या लिखा हुआ है, संचयी बारंबारता, और हमको चाहिए बारंबारता, मैथ बनाने के लिए बारंबारता, ठीक है। अब बारंबारता हम कैसे निकालते हैं, तो आपको तो पता ही है, एक दूसरे में घटाते चले जाते हैं, ठीक है। तो पहला देखिए 3 के 3, पहला 3 का 3, नीचे से बढ़ा तो नीचे से ही घटाएंगे, उसमें ऊपर से था इसमें नीचे से था, ठीक है, अरस में उसमें ऊपर था इसमें नीचे से, तो 3 का 3 हो जाएगा। दूसरा 10 में से 3 घटाओ कितना बचेगा 7, फिर यहाँ 20 में से 10 घटाओ 10 बचेगा, 40 में से 20 घटाओ 20, 46 में से 40 घटाइए तो हो जाएगा 6, 50 में से 46 घटाओ 4, ठीक है। ये निकालने के बाद जानते हैं इसको और एक बार चेक करने का क्या विधि है, कि हम निकाले हैं वह बारंबारता सही है कि नहीं, ये निकालने का एक विधि और है कि जैसे ही फ्रीक्वेंसी आपको दिया गया है ना, तो सारे फ्रीक्वेंसी को जोड़िएगा तो 50 आपको आएगा, और नहीं आ रहा 50 तो समझिए कहीं गलत आप कर दिए हैं, ठीक है। संचयी बारंबारता का लास्ट वर्ग और बारंबारता का योगफल आपस में बराबर होता है, ठीक है, तो इससे भी आप लोग पहचान सकते हैं। अब इतना कर लेने के बाद वही जाना पहचाना बरसाती खुज ले आइए, बोलिए सबसे बड़ा इसमें फ्रीक्वेंसी कौन है, 20, तो 20 को ही कहेंगे काजी F1, ऊपर वाले को F0, नीचे वाले के F2, और इसके सामने ये देखिए बहुलक वर्ग है, कौन वर्ग है ये, बहुलक वर्ग, सबसे बड़ा जो होता है फ्रीक्वेंसी वो बहुलक वर्ग है। बहुलक वर्ग का निम्न सीमा L बराबर कितना है, तो 20 है, और H बराबर देखिए 20, 10 10 10 10 बढ़ते गया है, H बराबर 10। अब यहाँ पर देखिए इसको आप बनाते हैं, आइए तो अब यहाँ पर ले लेंगे, इसीलिए बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा, यहाँ पर होते का F1 माइनस F0, अब आगे में यहाँ 2 लगाइए और यहाँ फिर F2 को घटाइए, इंटू क्या होगा जी, तो H हो जाएगा इंटू H। चलिए अब यहाँ पर मान भरते हैं L का मान, आइए L बराबर कितना है 20, तो यहाँ L के स्थान पर रख देंगे यहाँ पर 20, फिर प्लस के प्लस, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, बोलो F1 माइनस F0, F1 का मान कितना है 20, और F0 का मान 6, तो यहाँ रख देंगे 20 माइनस 6 बटा, फिर यहाँ पर देखिए F1 है आगे में 2 गुना है, तो 2 गुना F1 है 20 माइनस 6 माइनस F2 देखिए कितना है 10, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 10,
अब ब्रैकेट में h बराबर 10, 10 10 से बढ़ा, h बराबर कितना बढ़ा, 10 10। अब इसको हल कर लीजिए, यहाँ 20 का 20 हो गया प्लस 20 में से 6 हो गया, कितना बचा 14। अब 10 ऊपर में गुना कर देते हैं, ठीक 10 ऊपर ही गुना कर देते हैं, ठीक। और नीचे आइए, अब यहाँ पर देखिए बी दूनी कितना हो जाएगा, ये बी दूनी हो जाते 40, और यहाँ 10 माइनस माइनस प्लस 10 छो माइनस 16 है ना। अब ऊपर में देखिए यहाँ से 20 का 20 हो गया प्लस, बोलिए कितना आएगा, ना ही करेंगे गुना 140, रह दो ना 14 गुना 10, काटे में बहुत मजा आता है एकदम खपा खप कट। यहाँ देखिए 40 में से गले कितना 16, तो कितना बचेगा 4, और यहाँ बचा कितना 3 में से ज्ञात बाकी 2, 24 बचा। अब इसको काट लीजिए थोड़ा सा, देखिए ध्यान से, यह 5 दूनी आई बोला कितना 12 दूनी 24, या देखिए 7 दूनी आई इसको काटिए क्या 6 दूनी। अब यहाँ पर देखिए आपके पास क्या बचा, बचा 20 प्लस 7 पचे 35 बटा कितना 6, यही बचा ना। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से कितना आंसर आएगा इसमें, तो जाएगा 20 के 20 प्लस करिए 6 पचे 30, 6 पचे 30, 5 बचेगा दशमलव लगाइएगा तो कितना हो जाएगा 50, तो यहाँ हो जाएगा कितना 8 छः 48, 8 बार फिर बचेगा कितना जी 3 बार लगा छोतिया 18, यानी कहने का मतलब आपका आंसर आएगा 25.83, यही हमारा क्या है आंसर। तो इस प्रकार से देखिए बन गया, ठीक है, तो इसको भी लिख लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए बहुलक ज्ञात करने का फिर से एक नया सवाल। अब इस सवाल में क्या है, वर्ग चिन्ह दिया है, बारंबारता दिया है, लेकिन इसका जो है इसका वर्ग अंतराल नहीं दिया है, वर्ग अंतराल इसमें नहीं है। तो ऐसे प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले वर्ग अंतराल ज्ञात करेंगे। तो वर्ग अंतराल ज्ञात करने के फार्मूले होते हैं, ठीक है, तो चाहिए आइए हम लोग पहले सबसे पहले इसको हम लोग बनाते हैं। तो इसमें देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम क्या करेंगे ना कि वर्ग चिन्ह से हाइट ज्ञात करेंगे। देखिए इसको गौर से किया, 15 10 25, अब 25 10 35, 35 10 45, 45 10 55, 55 10 65, 10 10 बढ़ा हुआ है ना। और ये हम क्लास में बताए थे है ना कि दो वर्ग चिन्हों को जब हम घटाएंगे, लगातार वर्ग चिन्हों को, तो वर्गा माप ज्ञात होता है। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे, इसीलिए h बराबर क्या होगा, तो इसको मान लीजिए आप x1, इसको मान लीजिए आप x2, तो h बराबर हो गया आपका x2 - x1। वर्ग चिन्ह को हम x द्वारा सूचित करते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x2 का वैल्यू 25 और x1 का वैल्यू 15, तो जाएगा 25 घटाओ 15 आ गया 10, h का वैल्यू निकल गया। अब h का वैल्यू निकल जाने के बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद हम करेंगे क्या कि एक निकल गया था, अब यहाँ निकालेंगे वर्ग अंतराल। तो निम्न सीमा और उच्च सीमा हमें चाहिए, तो देखिए ध्यान से, निम्न सीमा का फार्मूला होता है, निम्न सीमा बराबर लोअर लिमिट्स बराबर, फार्मूला क्या होता है, तो होता है यह, पहला लिखेंगे ना, पहला वर्ग, कौन वर्ग का लिखें, पहला वर्ग का निम्न सीमा, तो हो जाएगा x1 प्लस, मतलब निम्न सीमा में माइनस हो जाता है h/2, ये हुआ हमारा निम्न सीमा का फार्मूला, x1 - h/2, पहला वर्ग के लिए है, तो x1 लिए हैं। अब इसको देखिए ध्यान से हल कर लेते हैं, आइए x1 का मान कितना है जी 15, तो यहाँ पर हो जाते 15 - h का वैल्यू कितना है जी 10, 10/2, 10/2 से काटेंगे तो आएगा 2 5, बोले 15 में से 5 गया कितना बचा 10 बचा। तो देखिए ध्यान से, निम्न सीमा हमें निकल चुका है 10, कितना निकला 10। अब निकालेंगे पहला वर्ग का उच्च सीमा, कौन सीमा, तो आइए पहला वर्ग का उच्च सीमा देखिए, पहला वर्ग का उच्च सीमा माने अपर लिमिट्स। उच्च सीमा का भी फार्मूला यही होता है, x1 / h/2, सिर्फ उच्च सीमा में प्लस हो जाएगा, यही फार्मूला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बराबर लिखेंगे x1 + h/2, x1 + h/2,
अब देखिए यहाँ पर जगह नहीं बचा होगा तो यहाँ से हल कर रहे हैं ऊपर से, ठीक है। यहाँ पर आइए, ज़्यादा ऊपर हो गए। देखिए x1 का मान कितना है जी, 15। तो यहाँ रख देंगे 15 प्लस, देखा रामचंद्र, h/2, h का वैल्यू कितना है जी 10, तो यहाँ हो जाएगा 10/2, क्लियर है। इसको हम काट देंगे तो कितना बार में कटेगा, 5 बार में। बोलिए 15 5 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 20। तो उच्च सीमा बराबर हमको आ गया कितना, 20। कितना आ गया, तो हो जाएगा 10 से 20, 10 से निम्न सीमा 10, उच्च सीमा 20। अब देखो ध्यान से, यहाँ से कितना अच्छा से लिख सकते हैं, 10 से 20, फिर हो जाएगा 20 से 30, क्योंकि एच तो हमको मालूम है 10 10 बढ़ा है, तो एक रो में 10 10 बढ़ेगा, 10 से 20 20 से 30, बोलिए 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, हो गया। अब ये हो जाने के बाद देखिए ध्यान से, गौर से आइए फिर से, बारम्बार था एफ में, देखिए एफ में जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है, 25। तो 25 को हम बोलेंगे F1, ऊपर वाले को बोलेंगे FO, नीचे वाले को बोलेंगे F2। और ये इसका 25 वाला जो है ना, ये है बहुलक वर्ग, कौन वर्ग है, L बराबर कौन है, तो L बराबर 40, L बराबर कितना है, लोअर लिमिट्स, क्लियर है। अब देखो ध्यान से, अब इतना तो निकल गया, अब निकलने के बाद हम क्या करेंगे, इसको अब देखिए हल करते हैं। देखिए इसको ना ऐसे लिखिएगा, जैसे जगह नहीं बच रहा है तो पहले ई बनाइएगा, फिर ये लिखिएगा वहाँ तक, उसके बाद वहाँ से नीचे लिखिएगा जो, ठीक है। तो आइए देखिए ध्यान से बनाना शुरू करते हैं। बोलिए होता है फार्मूला बहुलक बराबर एल प्लस F1 - FO / 2F1 - FO - F2 इंटू कौन ची एच। अब यहाँ पर आइए, एल का मान देखिए करना, इधर एल का मान चालीस, तो एल का मान यहाँ ले लेंगे 40 प्लस। अब आइए यहाँ पर FO - देखिए F1 - FO, तो 25 - 12, तो ऊपर में जाएगा 25 - 12, ठीक है। अब नीचे देखिए आइए, 2 गुना हो जाएगा 25 - 12 माइनस, बोलिए F2 का मान कितना, देखिए F2 का मान 10, तो यहाँ F2 का मान कौन चाहिए 10। अब बाहर बोलिए H का मान भी 10 ही था, H का मान भी यहाँ पर 10 ही रखेंगे, बाहर में इंटू में 10। अब यहाँ ये 40 के 40 प्लस, ऐसे कर लेंगे ऐसे, 25 में से 12 गया कितना बचेगा, ऊपर में 13 बचा, बोलो 25 दूना कितना हो जाएगा 50। अब 12 माइनस 12 10 कितना, -22। और ऊपर में क्या बचा, 10 बचा बाहर में, है ना। अब यहाँ पर आइए 40 के 40 प्लस, ऊपर में 13 गुना 10 हो जाएगा, ऊपर नीचे कितना आएगा, घट के नीचे कितना आएगा, शायद 28 आएगा, है ना, शायद 28 आएगा, 8 2 10 2 2 4 1 5। अब यहाँ पर करिए, देखिए काटिए, ये होगा 5 दूना, नीचे होगा कितना 14 दूना 28, ऊपर आगे कितना 40 + 13 = 65 / 14। तो यहाँ पर 40 को रहने दीजिए, प्लस करिए, और 14 से 65 में भागा दीजिए, दशमलव में आ जाएगा। तो बोलिए 14 चौका 56 लग जीता है, लगेगा ना, 56 और 10 बचेगा, 9 बचेगा, है ना, 9 90 हो जाएगा, फिर दशमलव देंगे, 14 6 84, है ना, 4.64 आ रहा है। अब यहाँ हो जाएगा कितना, 44 हो जाएगा, 44.64, यही हमारा क्या आंसर। तो देखो इसमें क्या यूनिक था, ये 3 प्रश्न हम आपको इसमें बताए हैं, तीनों में कुछ खास खास नियम है कि नहीं, देखिए आया समझ में, 44.64 आया, क्या इसमें था, आप जानते हैं इसको ऐसे भी आप बना सकते हैं, इतना जो हम लिखे ना, इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है, देखिए कैसे है, ऐसे जैसे 25 बड़ा था तो 25 में डायरेक्ट तुम निकालता है 40 और 50, लोअर लिमिट्स और अपर लिमिट्स, माने निम्न सीमा और उच्च सीमा डायरेक्ट निकालता इसी से, है कि नहीं, इसी से निकाल लेता, इतना सारा निकालने का ज़रूरत भी नहीं था, लेकिन इतना सारा निकाल ही लिए तो क्या दिक्कत है, शुरू में निकाल ही लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसको लिखिएगा कैसे, पहले ये, फिर ये रेड कलर से लिखें जो, फिर उसके बाद यहाँ से पूरा नीचे तक लिखना है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, बढ़िया से सजा के।